हेलो गाइस एंड वैसेस, मैं सूरज कुमार। तो चलो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। देखो, द मेजर प्रॉब्लम विद द बॉलीवुड फिल्म्स आर दे आर डाइंग फॉर द फेस्टिव रिलीज। एंड फेस्टिव रिलीज की खासियत तो आप सब जानते ही हैं कि अगर उस दिन आपने बेकार फिल्म भी रिलीज की ना, तो भी वो फिल्म ठीक ठाक कमाई तो करके दे ही देगी। अब इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त की जब बात आती है, तो आप लोग जानते हैं कि हर साल अक्षय कुमार की तो फिल्म आती है, लाइक रुस्तम, मिशन मंगल, गोल्ड, एंड ये सारे क्लैश भी हुए थे। इनफैक्ट अक्षय कुमार ने बाजी भी मारी थी ये सारे क्लैश करके भी। अब इन्हीं के साथ साथ एक और जिनकी फिल्म आती थी वो है हमारे जॉन इब्राहिम की, लेकिन अब तो नहीं आ रही क्योंकि देशभक्ति खत्म, पैसा हजम, सॉरी गलती से जानबूझ के बोल दिया। बट एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। दो दिन पहले उड़ती हुई खबर आती है कि एनिमल मूवी जो कि रणबीर कपूर के जो 11th ऑफ अगस्त को रिलीज होने वाली, यानी कि यही इंडिपेंडेंस डे को, वो होती है पोस्टपोन्ड। ये सुन के भाई साहब अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 सडनली अनाउंस हो जाती है उसी सेम डेट पे। फिर क्या होता है, फिर संदीप रेड्डी वांगा इनकी टीम एक अनाउंसमेंट करती है, भाई साहब तुम क्या पागल समझे हो क्या, हमारी फिल्म कुछ भी पोस्टपोन नहीं हो रही है। मतलब ये तो गेम हो गया। अक्षय कुमार भी लाइक, अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस इंडिपेंडेंस डे कितनी सारी फिल्में आ रही है। हालांकि 4 और अलग अलग इंडस्ट्री से भी फिल्में आ रही है, लेकिन उसकी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। अब पहली आ रही वो है हमारी गदर 2, जो कि सूट भी करता है कि चलो यार ये एक पेट्रियोटिक फिल्म भी होगी एंड इंडिपेंडेंस डे एक सूट भी करता है। वहीं दूसरी फिल्म रणबीर कपूर के एनिमल भी आएगी, जिसका बिना प्रमोशन के भी जानवरों जैसा प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि यार जब प्री टीजर ने इसकी इतनी माहौल गर्मा दिए तो भाई साहब ये तो पब्लिक की फिल्म है, वैसे ही जाएगी, पब्लिक देख रहे हैं। वही तीसरी फिल्म आएगी ओ माय गॉड 2, जिसके पास एक अपनी एक खुद की सीक्वल वैल्यू भी है। वही चौथी फिल्म आएगी जो कि पैन इंडिया पे हमारे थलाइवा की, जिसका नाम है जेलर। ये चारों फिल्में अपने अपने जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप इनमें से एक फिल्म निकालो और दूसरे फिल्म से कंपेयर करके आप गाली दे सको, ऐसा तो कतई नहीं है। हां, ये भी नहीं कि भाई साहब आप सिर्फ फेस्टिव रिलीज ही करोगे तो ही आपकी फिल्म चलेगी। आई मीन यार, यही डायरेक्टर एनिमल के डायरेक्टर जिनकी फिल्म आई थी 21 जून को जो कि नॉन हॉलीडे था, इनकी फिल्म आई थी कबीर सिंह जो कि 278 करोड़ कमाई थी और वो भी ए सर्टिफिकेशन वाली फिल्म थी। सोचो, वो अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो यार उससे तो लंबा स्पेस लेके चला था। एंड एक और चीज मैं बताता हूं, ये जो भेड़ बकरी चालीगिरी जो कर रही है ना ये इंडस्ट्री, ये कतई स्कैम लग रहा है मेरे को। क्यों बताओ, आप आने वाला नेक्स्ट मंथ ले लो जो कि जुलाई का महीना है, आप गौर करो उसमें कौन सी बड़ी फिल्म आ रही है। सिर्फ एक ही फिल्म आ रही, वो है धर्मा की, जो कि नाम है रॉकी और रानी एक अंधा और एक कहानी, यही फिल्म आ रही। उसके अलावा कोई भी फिल्म नहीं आ रही। अगर एनिमल ने तो ओ माई गॉड 2 जुलाई में आती तो भाई साहब लंबा स्पेस लेके अच्छी खासी कमाई कर सकते थे, अगर ऑडियंस ने फिल्म पसंद कर लियो तो बाजी तो आप वैसे ही मार सकते थे। ऐसे ही मई मंथ भी खाली गया था, मालूम है, जो अभी पिछला महीना था वो भी ऐसे ही खाली गया था। बट ये इंडस्ट्री दिखा देती है कि देखो भाई हमको कितना लालच भरा है। एनिवेज, अब 11th अगस्त को ये सारी फिल्में आ रही, तो मैं इसके बारे में एक ही चीज बताता हूँ कि देखो यार, एनिमल अपने जगह पे कंप्लीट बाजी मारेगी, नो डाउट, उसके आसपास भी कोई नहीं रहेगा। इनफैक्ट गदर 2 भी कम नहीं है। वहीं ओ माई गॉड 2 की भी सीक्वल वैल्यू है, लेकिन उसका बात मैं आपको लास्ट में बताता हूँ वीडियो के एंड में। बट जो तमिल फिल्म पैन इंडिया पे आ रही है जेलर, जो कि नेल्सन दिलीप कुमार की फिल्म है, भाई साहब वो अपने आप में ही एक स्पेशल फिल्म है। उस फिल्म के अंदर हर एक इंडस्ट्री से एक एक आर्टिस्ट को उठाया, तेलुगु से सुनील को उठाया, कन्नड़ा से शिवराज कुमार को उठाया, बॉलीवुड से अपना जैकी श्रॉफ को उठाया, मलयालम से मोहनलाल को उठाया। एंड उस फिल्म को आप कतई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एंड उस फिल्म की ये सारे क्लैश में गिनती भी मत करो, क्योंकि उसका एक अपना ऑडियंस है। तमिल में तो वो ब्लॉकबस्टर होगी, एंड रजनीकांत का फैंस यहां पर भी है, तो वो भी अपने आप में थोड़ा बहुत तो गैप निकाल लेगा। अगर पिक्चर अच्छी रही तो फिर बात ही खत्म। अब एक चीज मैं आपको डंकी की चोट पे कह सकता हूं कि भाई साहब एनिमल, गदर 2, ओ माय गॉड 2, जेलर, इनमें से एक फिल्म तो गारंटेड पोस्टपोन्ड होगा, और वो कौन सी फिल्म, ओ माय गॉड 2 ही होगा, देख लेना, लिख के ले लेना। तो ओवरऑल आप लोगों का क्या ओपिनियन इस बड़े से क्लैश पे, कि आप किसके साथ हो, कौन सी फिल्म पहले देखने जाओगे, कमेंट करके बताओ। मैं कमेंट ही डिलीट करता हूँ। बाकी आपके भाई का भी आज बर्थडे है, तो एक विश कर दो, विश ना कर सके तो कम से कम सब्सक्राइब भी कर दो। लेकिन ये अफवाह कौन फैला रहा है कि गदर 2 का नाम पहले दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट 2 था, गलती से जानबूझ के बोल दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।